शंकर शंभु भोलेनाथ हर हर महादेव हर हर महादेव डम डम बनता जाए हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। मैं हूँ आप सबका अमित। तो मैं आप सबको बता रहा पहले की स्टोरी में कि हम लोग कहीं जा रहे हैं, तो आज रिवील करने वाला हूँ कि हम लोग कहाँ आए हैं। तो अभी आप लोग व्यू एंजॉय करो एंड मैं स्टेशन पर उतर के आप लोग को बताता हूँ कि हम लोग कहाँ पे आए हैं। ऑडियंस को आज बताएंगे कि हम लोग कहाँ पे आए हैं। बहुत कमेंट आई थी अपने पास, तभी बताते हैं। इधर से खोलने के बाद क्या है एकदम पता नहीं, आए भी नहीं। वो देख लो उसमें ही बैठी देख लोकेशन के हिसाब से यार वो चल ही रहता है। ट्रेन में आके किसी हमसफर का मुसाफिर का मोबाइल ना चलाए, बताओ चप्पल जूते कुछ भी नहीं छोड़ रहे, पुलिस वालों का भी नहीं छोड़ा, पुलिस वालों को भी ले गया, भी ले गया। क्या करेगा गजा वगैरह, अपने फोन का ध्यान रखो। हम तो फोन के ऊपर उसमें रखते हैं, ऐसा होना है इसीलिए। यहाँ से तो मैं वो वीडियो मैंने तुम्हें भेजी थी, ऐसे ऐसे फोन था ऐसे ऐसे निकाल के ले गए। हमें तो एक ही वीडियो याद रही, इसके चक्कर में हमने फोन बंद करके रखा। हाँ वही तो प्रॉब्लम हो जाती है बहुत ज़्यादा। देखो भाई ये मैं हूँ, ये मेरे आज से 3-4 साल पहले का फोटो है। ये मैं वीडियो नहीं बनाता था, उस टाइम वीडियो नहीं बनाता था, मैं वीडियो नहीं बनाता, अब नहीं लगता हूँ मैं वीडियो बनाता हूँ इसलिए। अच्छा गेम खेल रहे हैं अभी, स्टेशन बहुत दूर है, टाइम पास तो करना पड़ेगा। ये देखो मज़ा आ रहा है, इंजॉयमेंट के लिए बहुत अच्छा है ना। मैं जीतूंगा, मैं तो कह रही हूँ एक पे आ जाइए। अच्छा मैं जीतने वाला हूँ, ये देखो गाइस रेड वाली गोटी, मैं जीतूंगा। अब तो आ जाओ, यस आई एम विनर। इधर देखो लूजर, लूडो में खेलो, अच्छा लूडो खेलते हैं, सही है। आई एम विनर, फर्स्ट राउंड मैं जीता हूँ, ठीक है। नहीं लूडो स्टार्ट हो गया, इस बार देखते कौन जीतता है ना। यस ये बढ़ चुकी है, मेरी तो खुली भी नहीं मूटी उसमें। यस अब आएगा मजा। तो अभी मैं से हारने वाला हूँ, इसकी दो गोटी कलर हो गई है, मेरी एक हुई है, मैं जीत जाऊँ। और पहले राउंड में मैं जीता, अभी ये जीत चुकी है, वो तो नॉर्मल था, ये जीत के नहीं पाता। तो जीता तो मैं, एक बार मैं जीता, एक बार जीत हो गया, बराबर हो गया ऐसा। जो भाई दिखा दिए, खा लो भाई आइसक्रीम आ जाओ।
तक खत्म हो जाएगी। वो नौटंकी कर रहे हैं ना ऐसे। मस्त लग रही है ठंडी ठंडी में। ये कौन है? और मम्मी आ गई है पास में। अभी खराब है इनकी। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये देखो, सफर ले चल रही है। अब तक तो स्थान पे अपने पहुंच जाना था। केशू हंस गए। गर्मी में बच्चे हो रहे हैं। एक ये बच्चा है, बड़ा सा बच्चा। एक ये बच्चा है इधर, ये देखो। तो अभी हम लोग को हो चुके, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है पर हालत खराब हो चुकी है एकदम। तो देख ही रहे होगा आप लोग कड़ी गर्मी में ऐसी हालत तो रखी है। हैं? मज़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा तो मिलते हैं डायरेक्ट स्टेशन पे। पहले ही बोला था, इस बार भी यही बोलूँगा क्योंकि ब्लॉगिंग नहीं करता हूँ, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है आप लोगों की। और कितना मस्त करोगे? गर्मी लग रही है और नींद भी आ रही है, तो कुछ तो करना पड़ेगा ही क्योंकि 5 घंटे अभी भी लगने वाले हैं। ऑलरेडी 16 घंटे हो गए शायद। तो सो जाओ, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो हम और हमारा परिवार सब मिलके लस्सी का स्वाद लेते हुए दीदी ये देखो मजे ले रहे हैं। हमने तो कभी देखी नहीं है, इसलिए पहली बार भी नहीं खा रहे। देखो भाई जैसे लस्सी कौन खाता, नाक सना ली पूरी इसने। किधर देख, किधर देख, ये वाह। ऐसे लस्सी खाया करो आप लोग भी, ठीक है? छट गई, फिर से लगा ली। देखो फिर से लगा ली। मीठी लस्सी तक नहीं पी मिल रही, बताओ। मैं तीखी हूँ ना, इसलिए चटपटी चीजें खाने का पसंद है। अच्छा देखिए पूरी नाक चल रही है। उल्लू है ना, आया बड़ा मजा आया। हल्के हल्के दीदी, हल्के हल्के क्या हो गया? इनकी सीट है ये वाली और मेरी सीट है ये वाली। क्या हो? कितने बजे गए? पता नहीं यार, 3-4 बजे। 5 बजे पहुंच जाएंगे है ना, 2 घंटे में। 5-6 बजे पहुंच जाएंगे। चलो सही है, इसी बात पे कांग्रेचुलेशन, मंजिल पे पहुंचने वाले हैं। सेम टू यू। तो गाय जी देखो भेलपुड़ी कैसे खा रही है, ये देखो। लगाई पानी पी लो बेटा। हाँ भाई देख, पवन चक्की, विंड एनर्जी बोलते हैं जो लाइट। शंकर शंभू भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
डम डम बन जाए हो आंटी देखो कैसे बाज रही है आंटी सर से दोबारा गा रहे हैं देखो बाज गा रहे तो ग्रिल टाइम काला खाने आ गए अभी हम लोग आ चुके हैं स्टेशन पे जहाँ मैंने बोला था कितने घंटे बाद 20 घंटे से ज्यादा हो गए 6 घंटे लेट होने के कारण बहुत ज्यादा लेट हो गया था इसलिए बहुत देर लगी अभी बिल करें कहाँ पे आए हैं दिखाएं सबको दिखाओ तो हमारे साथ आ गए हमारे भैया भैया पहले ही आ गए थे हम 6 घंटे लेट ट्रेन को खेलने की जैसे तो ये देखो मैं हूँ उज्जैन महाकाल की नगरी में इधर का मौसम अलग ही है तो फाइनली मैंने आप लोग को बता दिया कि हम उज्जैन आ चुके हैं महाकाल के दर्शन करने यहाँ का मौसम देखो बरेली से गर्मी होगी यहाँ पे तो भाई मतलब सही है गर्मी तो है गर्मी है ही नहीं महाकाल की नगरी में आया कुछ तो अनोखा होगा ही ना महाकाल जो है यहाँ के कौन महादेव तो जल्दी से अपन चलते हैं अपने रूम पे जो अभी भैया ने देख लिया रितेश भैया ने तो वहाँ पे एक क्या रूम है क्या देखते हैं सब कुछ ठीक है तुम लोग धोके आओ वहाँ पे हम लोग चलते हैं रूम में रूम देखते हैं बाय 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 तो अभी हम लोग ने होटल बुक कर लिया है ना होटल बुक नहीं करा रूम बुक कर लिया तो रूम दिखाता हूँ ये देखो सब लोग आ गए साथ में ये रहा हमारा छोटा सा रूम एक ही है और एक ही है तो पहले ये दिखाता हूँ छोटा सा ये ज़्यादा बड़ा नहीं है रूम ये देखो गाइस अरे मजा आ गया रूम ठंडा हो गया भाई ये हमारी एसी आ जाओ और ये हूँ मैं यू हूँ मैं यू है मेरा रूम मस्त है ना चप्पल निकाल दो पानी पी लो भैया पास पानी ठंडा दूसरा वाला रूम हो गया क्लीन हाँ वो क्लीन हो गया उसमें भी देख लो ये बिल्कुल चेंज बदलवा तो चलो चल रहे हैं दूसरा भी रूम दिखाते हैं ये ही है हाँ इसकी एसी चालू करानी पड़ी भैया से कैसा लगा छोटा सेम ही है दोनों सही लग रहा है हाँ तुम लोग इस वाले हम लोग उस वाले देखो जी अरे चप्पल जो बाहर निकालो पूरी हालत बिगाड़ हो रखी है बहुत ज्यादा हालत बिगाड़ कर दूँगा मैं हाँ अरे यार आज कपड़े चेंज होंगे फाइनली नहाने के बाद जल्दी से हाँ ये रूम है सही है वो वॉशरूम है जब एसी नहीं चलाई है एसी चलाएंगे वो भी बोल दे रहे हैं उनसे चले आ जाओ दिखा दो भैया उधर एसी ना चल रही है एसी वही चालू करेंगे ना सही है पूरा उसको बोलना पानी की बोतल लाने भाई साहब इधर आओ यार पानी की बोतल ले आओ तो नीचे आना पड़ेगा अरे हम बोल रहे थे वो बोल रहे थे ऊपर जाओ ऊपर ही भिजवा देंगे यार वो बोल रहे ठंडी पानी की बोतल लेना वाली चाहिए 20-20 वाली 25 वाली हो 30 वाली दो दे देना 30 वाली ले आना 30 वाली ले आना Okay. आ जाओ तो इधर आ जाओ तो फाइनली हमारा ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय एंड राम राम जी